जय हिंद बच्चों, आज के इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक हिंदी का ये चैप्टर पहला रहेगा। बच्चों, चैप्टर का नाम है हिंदी गद्य का विकास। इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन रहेंगे हम इस वीडियो में चर्चाएँ करेंगे। तो ये बच्चों देखेंगे खंड का हिंदी गद्य का विकास और अध्याय एक रहेगा। सब हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन इसमें रहेंगे, तो बहुविकल्पी क्वेश्चनों को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो ये देखते हैं बच्चों जो है, तो सबसे पहले हम लोग बच्चे बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए। कवि गंग किसके दरबारी कवि हैं? बाबर, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो बच्चों यहाँ सही जवाब गा हो जाएगा, अकबर। कवि जो गंग है ये जो है अकबर के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में, अष्टयाम के रचनाकार कौन है? अग्रदास, गोकुलदास, नाभादास, विट्ठल नाथ। तो यहाँ सही जवाब बच्चों हो जाएगा, गा हो जाएगा, नाभादास। हिंदी में प्रथम डायरी के लेखक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा गा, नरेंद्र देव शास्त्री वेद तीर्थ। यहाँ सही जवाब बच्चों जो है गा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, देखो ये सब क्वेश्चन परीक्षाओं पूछे गए हैं, लगातार से पूछे जा रहे हैं। राजा भोज का सपना के लेखक कौन है बच्चों? राजा भोज का सपना रचना है किसकी? तो यहाँ सही जवाब राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। देखो दो बार पूछा परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। देखो ये बच्चों 5 वर्ष लगातार पूछा, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों ये सरयू पार की यात्रा, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त सरयू पार की यात्रा है। अगला क्वेश्चन है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? तो ये बच्चों राहुल सांकृतियायन। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल सांकृतियायन। ये भी कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग जो, देखो बच्चों ये भी इम्पोर्टेंस है, 9वां क्वेश्चन है, सन्नाटा निबंध के लेखक हैं अथवा सन्नाटा के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। यहाँ सही जवाब जो है खा हो जाएगा, सन्नाटा के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित था कहाँ? बम्बई में, कोलकाता में, पूना में, आगरा में। तो बच्चों ये सही जवाब जो है खा हो जाएगा, कोलकाता में। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थापित था? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काशी नगरी सभा की स्थापना हुई थी, काशी नगरी सभा की स्थापना हुई थी भारतीय युग में हुई थी बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली? तो 1857 ईस्वी में। सही जवाब यहाँ का हो जाएगा, पथ के साथी किस विधा की रचना है? कई वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है पथ के साथी किस विधा की रचना है। तो बच्चों ये जो है संस्मरण है, यहाँ सही जवाब घा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो, देखो ये सब क्वेश्चन लगातार परीक्षाओं पूछे जा रहे हैं, तो हम इसको जो चर्चा करें बच्चों, जो इंपॉर्टेंस रहेगा उसी की चर्चा करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? तो यहाँ हो जाएगा भरतेन्द्र हरिश्चंद। अंधेर नगरी के जो रचयिता है भरतेन्द्र हरिश्चंद जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो है कि सरस्वती के संपादक कौन हैं? तो सरस्वती के संपादक बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 6, 7 लगातार पूछा जा रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? ये जो है सरस्वती है। अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है बच्चों? शेखर एक जीवनी के जो है अज्ञे जी हैं। यहाँ सही जवाब घा हो जाएगा। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी नहीं है? तो यहाँ जो है मुक्ति बोध ये नहीं है, लेकिन भूले बिसरे चेहरे ये भी है, आकाश के तारे ये भी है, माटी हो गई सोना ये भी है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना, लेकिन बच्चों मुक्ति बोध ये नहीं है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है? तो मेरी असफलताएँ। यहाँ सही जवाब घा हो जाएगा, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। 84 वैष्णव की वार्ता की रचयिता कौन है? 84 वैष्णवन वार्ता के रचयिता गोकुलनाथ है। यहाँ सही जवाब खा हो जाएगा। देखो कई वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है। अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध है, ये जो है सरदार पूर सिंह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखेंगे 111 नंबर, नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा, घा हो जाएगा, एक आत्मकथा है। देखो कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। द्विवेदी युग के लेखक हैं कौन है बच्चों? द्विवेदी युग के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी, ये जो है द्विवेदी युग के लेखक हैं। डायरी विधा के लेखक हैं, तो यहाँ सही जवाब हो गया शमशेर बहादुर सिंह। डायरी विधा के जो लेखक हैं ये जो है शमशेर बहादुर सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कृति नहीं है कौन? तो यहाँ ये बेचार की शोध ये नहीं है, ये है राष्ट्र जीवन की दशा ये भी है, सम्राट चंद्र ये भी है, जगत गुरु शंकराचार्य ये भी है, लेकिन घा नहीं है।
अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है? अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? तो ये हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसको मिसाइल मैन के नाम से, भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये जो है राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे हम लोग, जो है प्रसिद्ध उपन्यास लेखक है, प्रसिद्ध उपन्यास लेखक हैं, तो यहाँ मोहन राकेश। सदाचार की ताबीज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो बच्चों जो है हरिशंकर परसाई है। सदाचार की ताबीज निबंध संग्रह के जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई है। पाठ पुस्तक में संग्रहित बलिया के मेले के अवसर पर दिया गया भाषण किस शीर्षक से संग्रहित है? तो यहाँ सही जवाब बच्चों जो है हो जाएगा का हो जाएगा, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यहाँ सही जवाब का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मर्यादा और टुडे के संपादक थे? तो जो है डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला क्वेश्चन है किनका वास्तविक नाम केदार पांडे था? तो बच्चों यहाँ राहुल सांगतायन का वास्तविक नाम केदार पांडे था जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित था? तो बच्चों ये जो है इंदौर में, इंदौर कहाँ है, ये जो है मध्य प्रदेश MP में है। अगला क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका है, तो ये जो है द्विवेदी युग की है, सरस्वती पत्रिका ये द्विवेदी युग की है, सब पूछे गए हैं परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन है वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति नहीं है कौन नहीं है? तो बच्चों ये जो है पूर्वोदय ये नहीं है, पृथ्वीपुत्र ये भी है, भारत की एकता ये भी है, माता की भूमि, ये सब वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है, लेकिन ये जो है नहीं है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने से किस विधा में मुख्यतः रचनाएँ नहीं की हैं? तो यहाँ सही जवाब बच्चों हो जाएगा नाटक, इसमें जो है रचनाएँ नहीं की है। मेरे पिताजी शीर्षक संस्मरण के लेखक हैं कौन? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। मेरे पिताजी शीर्षक संस्मरण के जो लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है बच्चों? तो जो है का हो जाएगा राहुल सांकितियान। तिब्बत यात्रा के जो लेखक हैं राहुल सांकितियान हैं। परीक्षा गुरु मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है, परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं अथवा परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास दास है, सही जवाब बच्चों का हो जाएगा श्रीनिवास दास। स्मृति की रेखाएं कृति है, तो ये जो है बच्चों महादेवी वर्मा की है, स्मृति की रेखाएं कृति जो है महादेवी वर्मा की है, सब पूछा गया परीक्षाओं में। शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद। शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार जो है डॉक्टर संपूर्णानंद है। कबीर आलोचना ग्रंथ है, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। निंदा रस संबंध के रचनाकार कौन है? निंदा रस संबंध निबंध के रचनाकार कौन है? तो बच्चों हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जो है निंदा रस संबंध निबंध के रचनाकार है। क्या भूलूं क्या याद करूं मोस्ट इम्पोर्टेंस, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना किस विधा से संबंधित है? तो बच्चों जो है आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं। गेहूं बनाम गुलाम निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का घोतक है? तो जो है सांस्कृतिक, यहाँ सही जवाब जो है गा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? तो ये जो है बच्चों घा हो जाएगा जटमल, गोरा बादल की कथा के लेखक जटमल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है? तो जो है हरिशंकर परसाई जी है। रानी नागफनी की कहानी के लेखक हरिशंकर परसाई जी है। सत्यात प्रकाश रचना किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती की, यहाँ सही जवाब का हो जाएगा सत्यात प्रकाश। माधव विलास के लेखक कौन है? तो लल्लू लाल जी हैं। माधव विलास के लेखक जो है बच्चों लल्लू लाल जी है। अजात शत्रु नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। अजात शत्रु नाटक के जो रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। पैरों में पंख बांध कर रचना की विधा ये क्या है? तो बच्चों यात्रा वृत्त है, यहाँ सही जवाब जो है खा हो जाएगा। अपनी खबर के लेखक हैं, अपनी खबर के लेखक तो पांडे वेचन शर्मा उग्र ये जो है अपनी खबर के लेखक है। ध्रुव सामनी नाटक की रचना है, तो सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी की है बच्चों। गोदान की रचना कौन है? तो समझ गए होंगे गोदान, ये सब मुंशी प्रेमचंद की है, गेहूँ गोदान। कंकाल के लेखक कौन है? कंकाल के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी है, कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी है। बेईमान की परत किस विधा की रचना है? तो बच्चों जो है खा हो जाएगा निबंध है। द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन है? तो श्याम सुंदर दास जी है, द्विवेदी युग के साहित्यकार जो है श्याम सुंदर दास जी है। राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल। देखो सब परीक्षाओं में पूछा गया है, राष्ट्र का स्वरूप रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल है। सरयू पार की यात्रा की विधा है, तो बच्चों यात्रा वृत्त है ये जो है। राम मशान निरंजनी रचयिता है,
ते जो है भाषा योग वशिष्ठ, या सही जवाब जो है गाव जाएगा। मेरी जीवन यात्रा की विधा है ये जो है एक क्या है बच्चों, आत्मकथा है। पृथ्वी पुत्र के रचनाकार कौन है, तो सही जवाब इसका जो हो जाएगा, यहाँ सही जवाब हो जाएगा खा हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल, ये जो है पृथ्वी पुत्र के रचनाकार हैं।